ट्रेला आलू का खड़ा है और ये लोडिंग के लिए, और उधर वो सामने 10 व्हीलर है और एक ये ट्रेला है। ये प्याज का सेक्शन है और उस तरफ आलू के सेक्शन में भी है। कंटेनर आ चुका है आलू की लोडिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं कि एक ट्रेले में कंटेनर लगा हुआ है। और दोस्तों, जैसे शुरू में आपको बताया, एक लोडिंग वो हो रही थी, एक कंटेनर वो था, एक ट्रेला ये भी है और ये भी तोड़े का है और तोड़ा जा रहा है, और वो जो था उसमें बोरी भी थी। अब देखते हैं इसके अलावा भी कहीं और लोडिंग होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, ये है जी सामने टमाटर का सेक्शन है और कीचड़ देख सकते हैं। अभी कोई रास्ता निकालते हैं यहाँ से निकलने के लिए और फिर वहाँ जाते हैं, इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट्स देते हैं टमाटर के हवाले से। अब आज भी है और ज़्यादा धूप भी है और मौसम साफ होने के बाद अब गाहक का रश भी देखा जा रहा है। टमाटर के सेक्शन में भी है और आलू, और अभी जाएंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्याज के सेक्शन में भी। पिशावर सब्ज़ी मंडी टमाटर के सेक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज पीर का दिन है, 4 मार्च 2024 है। आज की अपडेट्स आपको दे देते हैं कि ठटा जो फरोख्त हुआ है 1100 से लेकर 1200 रुपए तक, और बेला जो फरोख्त हुआ है वो 1300 से लेकर 1400 रुपए तक। ओतल के जो टमाटर हैं उसका वज़न तकरीबन 18 से 20 किलो के दरमियान में वज़न होता है और वो जो फरोख्त हुआ है 1400 से लेकर 1500 रुपए तक के कुछ लाट फरोख्त हुए हैं। ये थी जी पिशावर सब्ज़ी मंडी टमाटर की कुछ सूरत हाल। और थोड़ी देर में अभी आलू की बोली हो रही है और साथ में फिर प्याज की भी बोली शुरू होगी, तो इंशाल्लाह सब वीडियोस आपको इकट्ठी दी जाएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर का दिन है और 4 मार्च 2024 है और अभी थोड़ी देर में बोली शुरू होने वाली है पेशावर में। ये एक कंटेनर आ चुका है आलू की लोडिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं कि एक ट्रेले में कंटेनर लगा हुआ है और ये जितना माल शेड में लगता था और अब वो बाहर है और शेड भरा हुआ है आलूओं से। कुछ तोड़े हैं और वहाँ बोरियाँ भी हैं और ज़्यादातर थोड़ा सा जो माल इधर उतरा हुआ है, कीचड़ भी ज़्यादा है पर साफ़ किया जा रहा है साथ साथ। और ये एक कंटेनर है, अब देखते हैं आज कितनी लोडिंग हो रही है। दोस्तों, जैसे शुरू में आपको बताया, एक लोडिंग वो हो रही थी, एक कंटेनर वो था, एक ट्रेला ये भी है और ये भी तोड़े का है और तोड़ा जा रहा है, और वो जो था उसमें बोरी भी थी। अब देखते हैं इसके अलावा भी कहीं और लोडिंग होगी तो वो भी आपको बताएंगे, पर आज की अपडेट्स आपको दे देते हैं। जो बोरी आज फरोख्त हुई है, लाल बोरी की बात की जाए तो वो 6500 से 6600 रुपये तक फुल वज़न, और इसके अलावा ये खेतों का माल है। और इसके अलावा अगर मोजीके की बात की जाए तो वो 5000 रुपये तक, सेंटे की बात की जाए 5100-5500 रुपये, रवीरा और सेंटा। इसके अलावा अगर मंडियों की बात की जाए तो मंडियों के माल जो मोजीके आए हुए थे वो स्कैप वाला माल जो था वो 3600-3700 रुपये तक, और जिसमें स्कैप नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कम था स्कैप, तो वो 4500 रुपये मंडी का माल फरोख्त हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अब दोस्त ये भी कहेंगे कि मंडी का कौन सा और वज़न कितना होता है, वो 100 से लेकर 105 या 110 किलो तक होता है, और जो खेतों का माल होता है वो 120 प्लस होता है, यानी 122 भी हो सकता है और 122 से ऊपर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर तोड़े की बात की जाए, जिसमें बबर शेर तोड़ा भी है और इसमें SBZ और सोना यूरिया का तोड़ा जो है, सबके रेट्स इकट्ठे बता देते हैं, 27, 28, 29 और 3000 रुपये। और जो अच्छे VIP वज़न है, 60 किलो से प्लस हैं, तो वो है वो 3200 रुपये तक है। सफ़ेद तोड़े की बात की जाए तो वो 2100 से लेकर 2200 रुपए तक मोजी का फरोख्त हुआ है। ये थी जी पिशावर सब्ज़ी मंडी की रिपोर्ट। और सालंग का रास्ता बंद है, जो ही वो रास्ता खुलेगा तो प्याज की एक बारिश होगी पिशावर में भी, और पूरे मुल्क में प्याज ही प्याज होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ज़्यादातर इतलाएँ मिल रही हैं कि गाड़ियाँ उस तरफ ज़्यादा खड़ी हैं। तो प्याज जो पिशावर में है वो कमज़ोर प्याज भी है, कमज़ोर प्याज अच्छे रेटों पे फरोख्त हो रहे हैं, और देखते हैं आइंदा आने वाला वक्त में प्याज की क्या पोजीशन रहती है। और प्याज जब
जब वहाँ से रास्ता क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह कल या परसों या तरसों गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी, तो इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में प्याज मिल जाएगा। काफ़ी लोग परेशान हैं और मैसेजेस कर रहे हैं हवाले प्याज के हवाले से पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह प्याज आने वाला है, पर रास्ता थोड़ा सा बर्फ़ की वजह से रास्ता यानी ठंडक है और बर्फ़ की वजह से रास्ता ब्लॉक है। जो ही रास्ता क्लियर होगा तो इंशाल्लाह पेशावर में बल्कि पाकिस्तान में हर तरफ ताजिकिस्तान वाला प्याज आपको मिल सकेगा। एक ट्रेला आलू का खड़ा है और ये लोडिंग के लिए, और उधर वो सामने 10 व्हीलर है और एक ये ट्रेला है, ये प्याज का सेक्शन है और उस तरफ आलू के सेक्शन में भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, पेशावर सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और प्याज का सेक्शन है और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल अपडेट्स देंगे प्याज के हवाले से। मेरे मोहतरम दोस्तों, बोली से पहले थोड़े से आपको बता देते हैं ये कितने मोटे प्याज हैं, यानी जिस तरह मोटे शलजम होते हैं उस तरह के बड़े किस्म के प्याज हैं, बड़े साइज़ के प्याज हैं। ये ताजिकिस्तान वाले प्याज हैं, इसको बल्कि किर्गिस्तान वाले हैं ये, और ये वहाँ से आए हुए हैं और इसमें थोड़े से नरम प्याज भी हैं, ये आपको हर तरफ से बताते हैं। ये देख सकते हैं प्याज की कंडीशन को देखा जाए तो थोड़े से नरम प्याज हैं, सख्त प्याज नहीं है, काफ़ी बड़े साइज़ के प्याज हैं इसमें। अब ये देख सकते हैं इसके साइज़ को देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है, ये पसंद नहीं किया जाता, और इसको भी देख सकते हैं अगर ये भी बड़ा साइज़ है। इसके अलावा अगर थोड़े से कम प्याज हों यानी छोटे साइज़ वाले प्याज हों तो अब ये भी बड़ा साइज़ है, और इसके साथ अब ये देखें ये दोस्त बता रहा है ये छोटे साइज़ के हों तो ये ठीक चलते हैं इधर पेशावर में, ये निकल सकते हैं, इसको पसंद किया जाता है। अब बड़े साइज़ के प्याज हों, अब जिस तरह ये छोटा साइज़ है ये चल जाता है, और बड़े साइज़ के जो प्याज हैं ये भी ठीक ही है, पर यह है कि अगर दरमियाना साइज़ के प्याज है इस तरह के प्याज हों तो उसको पसंद किया जाता है। दागी प्याज 3600 रुपये में फ़रोख्त हुए हैं और ये 3200 रुपये हो गए हैं अभी इसके लिए। 4000 दोस्तों, ये प्याज जो 3900 रुपये में बिक रहा था मालिक ने नहीं दिया और अभी परचून कर दिया गया है, 4500 रुपये में परचून पे बेचा जा रहा है, और ये आप सारी कंडीशन देख सकते हैं कि कितना प्याज आया हुआ है। साइडों पे गाड़ियां भी खड़ी हैं कुछ, पर ये है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियां नहीं हैं, जितना प्याज पड़ा हुआ है ये इधर नीचे ग्राउंड पे है। बोलियां हो रही हैं, कमज़ोर प्याज का भी आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये देख सकते हैं कितना कमज़ोर है, नरम है, दबा हुआ है, और ये भी देखें ये कितना मोटा प्याज है, ये भी बड़े साइज़ का प्याज है, साइज़ इसके बहुत बड़े हैं, ये भी प्याज बड़ा है। आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप ये देख लें कि ये प्याज हैं तो इसको कोई पसंद नहीं करता, अगर दो इस तरह दरमियाने साइज़ के प्याज हों तो गाह ख़रीदता है। अब ये प्याज देख सकते हैं ये भी काफ़ी बड़े साइज़ हैं और बड़े साइज़ के प्याज हैं,
क्योंकि गाहक पसंद नहीं करता। अब ये देखें इसकी छंटी की जा रही है, इसमें भी मैं आपको एक आध बड़ा साइज़ बता सकता हूँ। अब ये देख लें कितना बड़े साइज़ का प्याज है, कम से कम आधा किलो से ज़्यादा ही होगा। तो इसको छंटी किया जाता है, साफ़ किया जाता है और दूसरी जाली में भरा जाता है। तो ये है प्याज की कंडीशन आपके सामने। और अब आपको ये बता देते हैं कि ये भाई भी गिले शिकवे कर रहा है, इसी जाली में से निकाला गया है और ये बता रहा है कि मैंने पैसे दिए हैं, मुफ्त में नहीं लिया। तो ये उस बंदे की अच्छाई है कि उसने ये 5 जाली वापस ले ली। और उस कमज़ोर माल की बात की जाए तो आज वो फरोख्त हुआ है तकरीबन 4200 से लेकर 4500 रुपये तक, और 47 से लेकर 4800 रुपये तक, और 5000 से लेकर 5500-600 रुपये तक अच्छी जालियां फरोख्त हुई हैं, जिसका वज़न 28 किलो से लेकर 30, 32 और 33-34 किलो तक का वज़न है।